आज हम लोग फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने क्लास में बताया हुआ है, आप देखेंगे मेरा वीडियो लेक्चर, तो उसमें जो है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा गया है, तो उसमें निकालना था कि ये जो फोर्स है फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, है ना। तो उसमें हमने फोर्स का रेंज निकाला हुआ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि mg के अलावा एक और फोर्स यहाँ पर लग रहा है जो 3 न्यूटन का फोर्स दिया गया है ना। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को उस डेरिवेशन को आपने याद रखा हुआ है तो ये क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है। मैं सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, है ना। ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इसका मास दिया गया है 10 kg, इसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, इधर दिया गया है 3 न्यूटन का फोर्स, इधर हमें इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे कि नीचे ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, है ना। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। देखेंगे 3 न्यूटन नीचे की तरफ लगाया गया है, ठीक। इफ म्यू इज इक्वल टू 0.6, म्यू कहाँ का, ये जो ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन है इनके बीच में म्यू का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है ना। तो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स, तो नीचे नहीं जाए इसके लिए एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमें फोर्स ऊपर लगाना है, इसका मतलब कि इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, है ना। टेंडेंसी नीचे जाने की है तो पहले तो mg के कंपोनेंट आएंगे, mg है यहाँ पर 10g, जिसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 10g साइन 45, इधर आएगा 10g कॉस 45, इधर आएगा एक नॉर्मल, है ना, और इधर आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू एन। तो पहले ये जो भी फोर्सेज नीचे लग रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, हो सकता है तो कम पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला काम ये करना है कि इनको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कंप्लीट जो है, टोटल फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई करना है। ये फ्रिक्शन से जितना कम पड़ जाएगा ये फ्रिक्शन इन दोनों फोर्सेज से, तो वो कमी को भरने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ मिनिमम, ठीक है। तो अभी जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 10g साइन 45 प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू, ऊपर लग रहा है एक तो एफ मिनिमम और दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, है ना। तो ये हो जाएगा 100 × 1/√2 यानी 50√2 प्लस 3। एफ मिनिमम हमें फाइंड करना है और म्यू एन फाइंड कर सकते हैं, म्यू कितना है 0.6, और एन कैसे निकालेंगे, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल के लॉ इक्विलिब्रियम से, ये जो नॉर्मल है वो इसके इक्वल आएगा 10g cos 45, है ना। तो ये हो जाएगा 10g cos 45, तो एफ मिनिमम प्लस ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा देखेंगे 60 और 1/√2, है ना, तो ये हो जाएगा 30√2। अब एफ मिनिमम का वैल्यू जो है ये आएगा, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20√2 प्लस 3, तो 20 × 1.414 होता है रूट टू का वैल्यू और प्लस 3, है ना। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 32 न्यूटन के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो 32 न्यूटन जो है ये मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये नीचे स्लाइड नहीं करे। तो करेक्ट आंसर जो है देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है।